जैसे कि आप सबने देखा कि नवजोत सिद्धू द्वारा क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज गोगा जी चौहान पर गलत टिप्पणी की गई, जिसके बाद उन सभी से माफी मांगे क्षत्रिय समाज द्वारा आज क्षत्रियों की धरती अंबाला यमुनानगर तक पृथ्वीराज चौहान के वंशजों और पूरे क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तक गोगा जी चौहान के वंशों की रियासतें हैं। राजस्थान में कोटा, बूंदी, सिरोही, जलोर में पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की रियासतें हैं। पृथ्वीराज चौहान की तलवार आज भी कोटा राजमहल के म्यूजियम में है। इन रियासतों के क्षत्रियों में भी भारी आक्रोश है। इसके अलावा राजपूत लैंड कहे जाने वाले हिमाचल, जम्मू और गुजरात तक के क्षत्रियों में आक्रोश है। नवजोत सिद्धू क्या भूल गया कि बठिंडा को बसाने वाले बट्टी राजपूत थे, रायकोट को बसाने वाले मंझ राजपूत थे, पठानकोट को बसाने वाले पठानीय राजपूत थे। होशियारपुर का पुराना नाम दत्तरपुर था, जिसको कि राजा दत्तर चंद्र ने बसाया था। नवाशहर को बसाने वाले घोड़ेवार राजपूत थे। क्षत्रियों ने इस पूरे देश पर राज किया। नवजोत सिद्धू क्षत्रियों का सिंह सरनेम चूज करने लगा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मध्य प्रदेश के छत्रसाल बुंदीला, हिमाचल के राजा पृथ्वीचंद कटोज, जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह, इसके अलावा दुर्गादास राठौर, उत्तर प्रदेश के महान राजा विद्याधर चंडेल और ऐसे ही महान क्षत्रिय योद्धाओं की वजह से ये आज जीवित है। उन पे गलत टिप्पणी ये कैसे कर सकता है? इसको शर्म होनी चाहिए कि गोगा जी, जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी अपना मानते हैं, भगवान के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, गोगा जी ने 90 वर्ष की आयु में गजनवी से लोहा लिया था और केवल 800 क्षत्रिय योद्धाओं के साथ गजनवी की लाखों की सेना को वादा काट दिया था। इस युद्ध के बाद दौड़ागढ़ के किले में हजारों शत्रानियों ने जौहर किया था।